16वीं फोटो, यीशु दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह बहुत चमत्कार करे, रु बहुत लोग तेसरे पाछे भी थिए, तब भी जो प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलू जे तुम सब पापी हो, तो जो दुष्ट लोग थिए तिने तेसी दी नफरत करे। तिनोरा जो मुखिया था से बहुत ज़्यादा यीशु दी नफरत करने लगा, रो से बहुत ज़्यादा नफरत करूँ था। तिने कभी भी ये न मानिए जे यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा हो। तिने से पकड़वाया रो तेसरे खिलाफ झूठो बोल रो मारा। तिने तेसरे मुंडो पांदे कांडरा मुकुट दौरा रो क्रूसो के ठाया, पर प्रभु यीशु मसीह एदरा कभी भी विरोध न करिए, क्योंकि तेसिक पता था जे ऐशोनो जरूरी हो। तेसरे दुख उठाने पाछे ईश्वर रे एक योजना थी। 17वीं फोटो, यीशु मसीह क्रूसो के चढ़ाया। तेई दे बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूसो के चढ़ाया और तब तुड़ी क्रूसो के रखा जब तुड़ी से मरन गुआ। तेसरे साथी दो रह के अपराधियों को भी मृत्यु दंड मिला। ऐसा मृत्यु दंड देना तेसी समय री एक रीति रिवाज थी है। रो यीशु मसीह दुनिया रे पापों रे कीमत चुकाने रे खातरे बलिदान हुआ। 18वीं फोटो, जीवंदाना। प्रभु यीशु मसीह रे दुश्मने सोचो जे तिन्ने तेसरा नाश कर दिया, पर ऐसा हो न सका। प्रभु यीशु मसीह रे क्रूसो के मरने रे बाद तेसरे दोस्ते तेसरा मरा आधा शरीर एक ही गुफा में दौड़ दिया। रो गुफा रे मुंह के एक बहुत बड़ो पाथर दौड़ दियो। दो दिन डेव गए, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवंदा हुआ। जब कुछ बोई रो कब्र गे तीसी देखने खाई, तो जो सी पाथर थियो सी तेई दू दूर को स्टे दियो थू। रो यीशु मसीह तेथ नहीं थिए। दो स्वर्गदूत तीनों संदेश देने के तेथ बैठ रहे थे कि सी एथ नहीं पर जीवंदा होगा रो एदा डेगवा। जब यीशु मसीह जीवंदा हुआ तो तिणिए ये स्पष्ट कर दियो कि सीए परमेश्वर का बेटा हो। प्रभु आज भी जीवंदा रो सदा रोला, से शैतान रो मृत्यु से भी ज्यादा ताकतवर उस दिया। 19वीं फोटो, थोमे विश्वास करा। प्रभु यीशु रे जीवंदे होने रे बाद तेसरे कई दोस्ते से देखा, तीनोरी गोली बातों कोरी रो तीनोरी गोली तिने रोटी भी खाई। थोमा जो तेसरे दोस्तों मेंदा रो तेसरे चेला मेंदा थिया, तेसिक विश्वास नहीं है जे यीशु मसीह जीवंदा हुआ। तिणिए बोलो जे जब तुड़िया तेसरे हाथों रो लातों रे जतगिर तेसी चोटो लग रही थी, तेसरे घाव न देख लूं तब तुड़िया विश्वास न करदा। तब आखिर में जायरो यीशु मसीह तेसिक बंद कमरे में आया रो थोमे देखा, तब थोमरा सारा शक जो था से गायब हुआ। तब यीशु रे पैरोगे गिरा रो बोलो जे हे मेरे प्रभु। तब यीशु तेसिक बोलो जैसे मुबारक दिए जिन्हें बिना देखे विश्वास करा। 20वीं फोटो, स्वर्ग जाना। प्रभु यीशु रे जिंदे होने रे बाद 40 दिनों तोड़ी प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को दिखाई दिया। रो तीन ने तेसरी गवाही दी किसी जिंदा हुआ। इधरे बाद प्रभु यीशु मसीह अपने पिता रे दौरे जाने को तैयार थिया, क्योंकि सी जदरे खातरी यूँ दुनिया में आया था तिणिए से काम पूरा कर दिया था। तब तिणिए अपने चेले को बोलो जे तुम भी सुसमाचार सब जगह सुनाओ। जैसो चेले देखो प्रभु यीशु दुनिया छाड़े रो स्वर्ग डेगवा, तब दो स्वर्गदूत आए रो बोलने लगे जैसा तुम्हें यीशु मसीह स्वर्ग जानते हुए देखा, ऐसे तरह से तुम तेसी पछु गिर दुनिया में आंदे हुए भी देख ले। 21वीं फोटो, खाली क्रूस। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस हो गया क्यों मोरा? प्रभु यीशु मसीह हम मुख पापोरे सजा दे बचाने रे खातरे क्रूस हो गया मोरा। प्रभु यीशु मसीह तो निष्पाप थिया, पर सी तीनों पापों के खातरे मोरा जो हम मुख परमेश्वर दे अलग कर दे। क्रूस हम मुख याद दिलाओ जे यीशु
परमेश्वर आ निष्पाप मेमना उस दिया। जब हम यीशु रा विश्वास कर दे रो अपने पापों को छाड़ देंदे, तब हमारे सारे पाप माफ हो जांदे रो हम जो परमेश्वर रे सदा सदा रे खातरे तेसरे गौरव रे आदमी बन जांदे। 22वीं फोटो, दो रास्ते। प्रभु यीशु शिक्षा दी कि दो जीवन रे रास्ते रो दुई आखरी परिणाम उस दिए। जिन्हें यीशु मसीह अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करा, से पापों रे चौड़े रास्ते में जो मृत्यु रो नरक रो सदारे सजारे कणी जाऊं, ये मनुष्य रा एक स्वाभाविक परिणाम उस दिया। हम जन्म रो स्वभाव दुईने दे पापियो, एतगिर माफी शांति रो जीवन रे पातले रास्ते भी हो जो परमेश्वर रो स्वर्गोरी कणी जाऊं। यदि मैं जान रे खातरे तुमक पापों अपनी इच्छा दूर करना पड़ला रो और सारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के करना पड़ला। यीशु बोलो आ द्वारो, जे कोई मेरे द्वारा प्रवेश करला से भीतर जाला रो मुक्ति पाला। पतले रास्ते में चलने वाले रे खातरे पापोरा कोई न्याय न होना, क्योंकि यीशु मसीह क्रूसो के बाए गए खूनों द्वारा तिन्नरे पाप धुल जाओ। जे तुम यीशु रे पीछे आना चाहते तो तुम ऐसी प्रार्थना कर सकते, जे प्रभु आ मनु जे आ पापियो, आ विश्वास करूं कि यीशु तू मेरे पापों रे खातरे क्रूसो के मोरा, मैं माफ कर रो मेरे दिलों तू शुद्ध कर साफ कर, मैं अपने परिवार का एक सदस्य बना, आ यीशु रे जीवन रास्ते गे सदा चलता रहूँगा रो मृत्यु रे बाद जब यूँ दुनिया में मर जाऊँगा स्वर्गों में रहूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। जे तुम ईमानदारी से ऐसी विश्वास री प्रार्थना कर दे तो तुम पतले रास्ते मिंदे चल दे जो शांति रो सौदारा खुशी री बाट होती। सिमारे दिलों रे विचार रोमारी सारी दिल री इच्छाओं को जानूँ।